आज ग्रैंड प्रीमियर है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है. हम एक्सपर्ट माएस्ट्रो म्यूजिशियंस के साथ गाने वाले हैं. आज मैं ए उड़ी उड़ी और ओ हमदम इनका मैशअप गाने वाला हूँ और स्टीफन सर मेरे साथ बजाने वाले हैं, जो एक मतलब लेजेंडरी लेवल गिटार प्लेयर है. आज मेरे साथ किशोर सोढ़ा जी है ट्रम्पेट पे और शामराज जी है सैक्सोफोन पे, तो उनके साथ मैं परफॉर्म करने वाली हूँ, जो बहुत ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट हैं. पूरे जोश और खरोश के साथ स्वागत कीजिए इंडियन आइडल के शानदार हीरोज का, द GTE यानी के ग्रेटेस्ट टैलेंट एवर. धुआं चले, कुंजर कंजी कुंजी क्यों, मुंजर मुंजर सिंधी
Wow. और एक बार जोरदार तालियां ऑन फ्लूट मिस्टर नवीन कुमार जी एंड ऑन मृदंगम मिस्टर राजेश श्रीनिवासन जी के लिए. श्रीशा, आप आज जिन लोगों के साथ में परफॉर्म कर रही हो, आई होप यू रियलाइज व्हाट अ ग्रेट ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी इट इज. श्रीशा, आपकी आवाज इस गाने को बहुत बहुत सूट करती है. जिस तरह आपने अपनी आवाज़ को इसमें ढाला है, एंड स्पेशली आई रियली एंजॉयड जो हार्मनी सेक्शंस हैं मलयालम में. उनमें जो आपने अपनी हार्मनीज की जो ओरिजिनल में नहीं थी, विच आर रियली रियली दे वर रियली ब्यूटीफुल. आई रियली एंजॉयड इट. कांग्रेचुलेशंस. श्रीशा, सच बताऊं, ये जो पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो मुझे देखने को मिली, जो सुनने को मिली, मुझे लगा कि ए आर रहमान सर का कॉन्सर्ट चल रहा है. इतना ब्यूटीफुल और रियल था, बहुत खूबसूरत. ऑल द बेस्ट. जहाँ तक इंडियन आइडल का ये मंच है, इतना ग्रेट टैलेंट आने के बाद लगता था कि एक ऐसा कौन सा सीजन इसके ऊपर जा सकता है, तो ये GTE आया, हुआ. टीआरपी आई, एंटरटेनमेंट आया. लेकिन टीआरपी और एंटरटेनमेंट क्यों आया? क्योंकि ग्रेट टैलेंट आया. एक एक सिंगर ऑडिशन राउंड में ही फिनाले परफॉर्मेंस दे रहा है. अब इसको फिनाले नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो दिए जाओ फिनाले परफॉर्मेंस, दिए जाओ और हम लोगों से तालियां बटोरे जाओ. आउटस्टैंडिंग बेटा तुमने गाया है. जिस तरह से तुम गा रही हो लाइव इतने ग्रेट म्यूजिशियंस के साथ ये मंच पे, इट्स नॉट ईजी. अच्छे अच्छे जो है ना वो नहीं गा पाते. यू वर सुपर फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, हिस्टोरिक, फैंटेबुलस. जय माता दी. लेट्स रॉक. जजेस, हम सब ने इंडियन आइडल अपने परिवार के साथ बैठकर देखा, लेकिन सायली ने भी उसी तरह अपनी फैमिली के साथ अपना पहला एपिसोड देखा था, और उसकी मैं आपको कुछ एक झलक दिखाना चाहता हूं. वाओ. मेरा नाम सुरेश कामड़ी है, मैं सायली का चाचा हूं, और हम चुनामट्टी में टाटा नगर में है. हाँ, सायली के लिए खुशी की मारे रंगोल निकल रहा हूं. आज दिवाली है घर में. आज मेरे आज बहुत खुश है आज, क्योंकि उनके सायली का ऑडिशन आने वाला है. नवराई माची लाड़ाची लाड़ाची गा. हम आज खेलने भी नहीं गए, ऑडिशन का इंतजार कर. नवराई माची नवसाची नवसाची गा. अब सरा सशी इंद्राची इंद्राची गा. सायली का ऑडिशन है ना, तो भाभी मदद कर रही है उसको. भाभी को मालूम है सायली को कांदा भजी, जिलेबी, समोसा, लड्डू सब बना रहे हैं. अपनी बच्ची से जैसे प्यार करते हैं ना, वैसे प्यार ये लोग कर रहे हैं. तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी. दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी. आपको प्राउड कितना फील हो रहा है? बहुत, बता नहीं सकती मैं. जीती रहो जीतती रहो. हम इनको बचपन से, सायली को पहचानते हैं, बचपन से देखते आए हैं, और ये और आगे बढ़े ये हमको खुशी है, और विनर बने
मेरी छोटी बहन जैसी है। अगर वो आगे जाती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ऐसी होनी चाहिए बेटी। वाह, उसको आशीर्वाद देगी मेरी बड़ी हो। एक ए, आपके यहाँ तक आ गया है। रुला देता है हमेशा। सॉरी। हम लोग जब ही गाते हैं तभी सब ठीक है, पर मैं जो गा रही हूँ वो जिन्होंने मुझे बचपन से बड़े होते देखा है वो सब लोग मेरे साथ बैठ के वो मोमेंट कुछ अलग था। मतलब मैं आपको वो वर्ड्स में बता ही नहीं सकती वो क्या था। और हमारे घर पे तभी टीवी नहीं था तो मेरे चाचा जी और सब लोगों ने हमारे ग्राउंड में वो प्रोजेक्टर वगैरह का अरेंजमेंट किया। सब लोग आए और मतलब वो अलग था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो सायली, इस परफॉर्मेंस को अगर आपके परिवार वाले और मोहल्ले वाले कुछ सामने से लाइव देखे तो वाओ, आई थिंक के बहुत मजा आएगा ना। बहुत मजा आएगा। तो मेरे प्रिय टाटा नगर के वासियों, प्लीज स्टेज पर आइए और इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है, वाह। कितने हैंडसम लग रहे हैं। भाई मैं भी देख रही हूँ कैसे आए। नहीं मैडम, आज पहले ऐसे घूमता था। हाँ जी। लेकिन एक दो जन ने ऐसा पूछा मुझे। नहीं, मैं आपको एक सच बात बताती हूँ। हम लोग फालूदा खाने गए थे जस्ट मैं और मेरी बहने। अच्छा। तो मैंने तो मास्क पहना हुआ था, वो तो पापा ऑर्डर कर रहे थे तो पापा उनको बता रहे थे तो उन्होंने मास्क निकाला हुआ था। तो लोगों ने इनको पहचाना, दो लोगों ने, कि आप वही है ना आइडल में जो आप एम्बुलेंस ड्राइव करते हैं और आपकी बेटी है वो शो पे। तो वो मुझे मतलब अलग ही लगा। एक एपिसोड हुआ और लोगों ने पहचाना पापा को उस टाइम।
Amazing, amazing. और एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए किशोर सोदा जी के लिए और श्याम राज जी के लिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. और एक बार जोरदार तालियां फिर से हमारे सारे म्यूजिशियंस की. साली युवा It, माने outstanding, जिस लेवल का तुम तालमेल रख रही थी इतने लेजेंडरी म्यूजिशियंस के साथ, इस लेवल का आशा जी का और आरडी बर्मन जी का गाना, उसको निभा देना बहुत डिफिकल्ट है, उसको परफेक्शन के साथ गा देना वो तो इतिहास रचने वाली बात है, और वो तुमने रच दिया. थैंक यू सो मच. अपने पिताजी और अपने अपने लाइव ऑडियंस जो तुम्हारी टाटा नगर से आए हैं, तो तुम्हारे लिए जो उनकी दुआएं चल रही थी और जिस लेवल पे वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे, तुमने इतना खूबसूरत परफॉर्म किया. यू सच अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट. थैंक यू सर. एक बार जोरदार तालियां. सारी दुनिया ने एक कंटेस्टेंट के इंडियन आइडल में आने का जश्न मनाया, पर एक इंसान था जिसने इस गम में दो पिलपिले खरबूजों पर अपना सर पीटा, क्योंकि इनके आइडल में आने से जिनको हुआ बिग लॉस, वो है इनका खड़ूस बॉस. वो है द रियली कूल आशीष कूल करनी, जिनके साथ आ रहे हैं उन्हीं की तरह कूल स्टीफन देवासी. आशीष, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज आपने ऑलरेडी दे दी है इंडियन आइडल के स्टेज पर, तो आपके जो बॉस होने वाले थे उनका कुछ रिएक्शन आया आपको? सर मैं आपको क्या बताऊं, एक्चुअली जब मेरा परफॉर्मेंस उन्होंने देखा टीवी पे जी, तब उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि 25 प्रॉमिस किए थे जी, मैं 50 ऑफर कर रहा हूँ. अच्छा. ओह, आपको कंपनी से लोन मिलने में बहुत आसानी होगी. अच्छा. पिकअप एंड गो सर्विस होगी घर से. Oh my God! Oh ho! अब मामला सीरियस हो गया है. अब मामला सीरियस नहीं, अब मामला के डी नारंग हो गया. के डी. नारंग. तुम्हारा बॉस दोगला है. तुम्हारा बॉस स्प्लिट पर्सनालिटी भी है. तुम्हें ऑफर करता है, मुझे मेरे मैनेजर को बोलता है कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, इंडियन आइडल में आइए. ऑफ कोर्स मुझे कहना पड़ा कि अगले सीजन में आप आ सकते हैं. तो भड़क गया. उसके बाद उसी ने कहा कि मेरी बीवी आशीष की दीवानी हो चुकी है, मैं क्या करूं. सर बात इतनी आगे बढ़ जाएगी मुझे कुछ पता ही नहीं था. अगर उनकी बीवी का फोन तुम्हारे पास आएगा तो तुम फोन उठाओगे नहीं? नहीं उठाऊंगा. क्योंकि किसी का घर तोड़ने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया. आज के बाद कभी ऐसी गलती ना हो. I'm extremely sorry. HR के लिए जोरदार तालियां हो जाए. आशीष जी सर, अब तो आपको अच्छा गाना ही पड़ेगा. जी जी. प्लीज भगवान के लिए अच्छा गाना. Mm-hmm.
हाथ बुरी उड़ी 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 ख्वाबोगे बुरी अग रंग गिरी सारी रात बुरी हल्की हल्की कल रात जो शबनम गिरी अरे अखियां बुगियां भर गई कल तो हाथ में डब डब गिरी पहली पहली बारिश की चीते पहली बारिश भीगे हो नागिना 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 हो नडरे नडरे नागिना हो नागिना 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 हो नडरे नडरे नागिना हो उलझी हुई थी खुलती गई थी लट वो रात बर बरसी कब मनाया खूब सताया थी जब यार की मर्जी सारी रात बुरी Beam, beam, da-da-da, beam, beam.
थैंक यू सो मच जजेस. मेरी जिंदगी बन गई आज, मेरी आज जिंदगी बन गई. लेकिन मैं तेरे बॉस को एक मैसेज देना चाहता हूं आज टीवी के जरिए. बॉस, तेरा फुल टॉस. थैंक यू सो मच. वाह वाह वाह. थैंक यू सो मच. आदि जी, नेहू जी, मेरा एक सवाल है हमारे एके के पेरेंट्स से. यस. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. सबको नमस्कार. सबको नमस्कार. मैम मैम इमोशनल हो गई, उनको माइक दीजिए. कुछ आई थिंक कुछ कहना चाह रही हैं. बहुत 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 ज्यादा खुश है आज वो. जजेस, मैं देख रहा था इनकी मम्मी थ्रू आउट द परफॉर्मेंस इतनी बड़ी स्माइल के साथ और आंखों से आंसू आ रहे हैं. शी मस्ट बी सो प्राउड राइट नाउ. ना जाने दिल विच की प्रेम का प्याला पी आया.
ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਲਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜੀਆ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਜੋਗੀ 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 ਸਰ ਦਰ ਨਰੇ ਰੇ ਮੈਂ ਦਰ ਦਮਾ ਮਰੇ ਰੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਨੀ ਰੇ ਨੀ ਬਰੀ ਬਾਬਾ ਕਮਦਾ ਨੀ ਜਾ ਜਾ ਕਮਦਾ ਨੀ ਜਾ ਜਾ ਕਮਦਾ ਨੀ ਜਾ ਸਰ ਦਰ ਮਰੇ ਰੇ ਮੈਂ ਦਰ ਦਮਾ ਮਰੇ ਰੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਨੀ ਰੇ ਨੀ ਬਰੀ ਬਾਬਾ ਕਮਦਾ ਨੀ ਜਾ ਜਾ ਕਮਦਾ ਨੀ ਜਾ ਜਾ ਕਮਦਾ ਨੀ ਜਾ वाह वाह वाह, क्या बात है मोहम्मद दानिश। एक बार जोरदार तालियां हमारे स्टीवन भाई के लिए। टू गुड, व्हाट अ परफॉर्मेंस। वाओ, क्या बात है मोहम्मद दानिश। क्या कपड़े पहने हैं आपने, मन कर रहा है लेटा कर आप पर चेस खेलो। ओवर टू आवर जजेस। दानिश, आप इतना ज्यादा उछल कूद कर रहे थे स्टेज पे, इधर उधर ऐसे वैसे, लेकिन जो ठहराव था आपकी सिंगिंग में, आई थिंक वो कमेंडेबल था। मुझे आपका सबसे अच्छी बात ही गाने में ठहराव लगी। इट वॉज ब्यूटिफुल, इतनी अमेजिंग अमेजिंग आप चीज़ें बड़े प्यार से ले रहे थे, और वो मुझे आपकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग लगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दानिश, आखिर में जो सरगम में जो मेलोडी गाई आपने, वो किसने बनाई? बहुत ही प्यारा। आपने खुद बनाया? Yes. जिसने भी बनाया वो बहुत अच्छा कंपोजर है, तो आपने खुद बनाया। दानिश, एक बार फिर आई थिंक यू शुड डू इट अगेन। प्लीज, एक बार फिर से वो वाला पार्ट। सरगम तो कमाल थी, वाह निकल, बहुत प्यारा था वो। हो जाए। अरे मां बारे मां बानी मां बारे I have to caution you about one thing, कि आप जो ये आपके कपड़े चमक रहे हैं, आपके जूते चमक रहे हैं, आपकी कमर में एक लचक है, आप नाच रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, इसमें आपकी जो म्यूजिकैलिटी है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इजी टू टेक यू लाइटली, कि ये जो आया है स्टेज पे वो दिखावा करेगा, लेकिन आपके म्यूजिक में जो सच्चाई है ना, आपके गायकी में जो सच्चाई है, वो इन सब चीज़ों से बहुत बहुत आगे और बहुत बड़ी है। पहली बार मुझे असली आज दानिश सुनाई दिया, एंड आई थिंक फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, जो हमने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड हुआ। थैंक यू सो मच सर। दानिश, एक जिंदगी भर याद रह जाने वाला कोई अगर परफॉर्मेंस मुझे लगा तो वो तुम्हारा है। थैंक यू सो मच। गहरा परफॉर्मेंस, तुम सुरों के शहंशाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक्स्ट्रॉर्डिनरी। दानिश, आपने मौसम बदल दिया। थैंक यू सो मच। मुझे जो एंजाइटी आता है एवरी टाइम मैं स्टेज पे जब आती हूँ, हाँ जी हाँ जी, तो मम्मी पापा चाहती है कि मैं अकेला फाइट करूँ इसको। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तभी आपको ऑडिशंस में अकेले भेजा, और उन्होंने ये सोचा कि फाइनल्स तक वो नहीं आएंगे, तो दुख तो हो रहा है। तो आपकी एंजाइटी एक्चुअली बेटर हुई है? जी मैम, अभी जैसे मेरा हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, हा, हा, हा। पिछले दो ऑडिशंस में। सो कैन आई गेट सम वाटर प्लीज, हार्ट रेट काफी ज्यादा चल रहा है। माय लेग्स आर शेकिंग, माय हैंड इज शेकिंग, माय वॉइस आल्सो स्टार्ट्स शेकिंग।
बार वैसा नहीं हो रहा है। ओह वाओ। जी। वेरी नाइस। इस बार कंटेन्ड है थोड़ा। बट अंदर से हम जानते हैं कि किसी भी बच्चे को मम्मा पापा का सपोर्ट मतलब फिजिकली भी सामने से क्योंकि एक हक करते हैं ना माँ को या पापा को। जी मैम। अलग ही फीलिंग आती है वो इतनी पॉजिटिव इतनी प्यारी एनर्जीज आती है कि हम कुछ नेक्स्ट लेवल अमेजिंग फील करने लग जाते हैं ना। जी मैम बिल्कुल। फिनाले भी इतना दूर है 6 महीने बाद। वो बिचारी अकेली है। आई थिंक उनको यहाँ पे होना चाहिए था। चलो पीछे एक वीडियो मैसेज तो भेजा ही है देख लो एक बार आप। जी देखिए। मैं सॉरी सायली दीदी के पेरेंट्स को देख रही थी यहाँ पे अंजलि के पापा को देख रही थी शनमुखा की मम्मी को मुझे बहुत याद आ रहा था लेकिन जो मम्मी पापा ने कहा था कि तुम खुद की सपोर्ट बनो इंडियन आइडल पे तो इसलिए मैं खुद को मोटिवेट कर रही थी कोई बात नहीं वो नहीं आए तो तुम अच्छे से गाते जाना लेकिन अभी देख के ओह माय गॉड मैं हंसू की रो ये समझ में नहीं आ रहा एक बार फिर से जोरदार तालियां किशोर सोडा जी और श्याम राज जी के लिए और हमारे पूरे बैंड के लिए अमेजिंग वाह वाह अनुष्का मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी कुछ हाई नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी टोनल क्वालिटी वहाँ अच्छी लग रही थी लो नोट्स में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो प्रेशर वाला जो प्रॉब्लम है उससे जिस दिन तुम निकलोगी सबको पीछे छोड़ दोगी सबको माने सबको बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनुष्का की थैंक यू Thank you.
क्या बात है सम्यक, एक बार जोरदार तालियां चिंटू सिंह जी के लिए। वाह ब्यूटीफुल 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 एचआर, किसी की आवाज इतनी प्यारी है कि पूरा हिंदुस्तान उसका दीवाना हो चुका है और आगे भी होने वाला है। किसी की आवाज में बहुत दर्द होता है, तुम्हारी आवाज में जादू है, तुम्हारी आवाज में कशिश है। वेरी फ्रेश सुपर्ब वॉइस, थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक। जोरदार तालियां हो जाए सम्यक के लिए। थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.